हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट 3, और इस पार्ट 3 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री। ठीक है, अभी तक हम लोग ने सोलर रेडिएशन के बारे में लास्ट वीडियो में देखा था, अब हम लोग ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। जो भी हमारा लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, कौन से एंगल को हम लोग इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, किसको जेनिथ एंगल बोलते हैं, यही सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते तो हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानना जरूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको 3D स्पेस में कोई पॉइंट डिफाइन करना है फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आपको कोई पॉइंट डिफाइन करना है तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सी? सबसे पहला रेडियस, और फिर आपको 2 एंगल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सेम वे में जो हमारा अर्थ है इसको हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी मानते हैं, या आप बोल सकते हो जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, तो इस स्फेरिकल शेप में अगर आपको किसी पॉइंट को डिफाइन करना है तो यहाँ पे भी आपको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक रेडियस और 2 एंगल। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है हमारा 0.65 × 10⁴ किलोमीटर। बेसिकली लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा था जो हमारा डाया ऑफ अर्थ होता है वो होता है 1.3 × 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, तो वहीं से हम लोग ने रेडियस को कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो अर्थ के अंदर अगर आपको किसी एक पॉइंट को डिफाइन करना है तो उसमें हमको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत थी, जिसमें एक जो हमारा कोऑर्डिनेट है डाया, या आप बोल सकते हो रेडियस, ये हमें ऑलरेडी नोन होता है, तो इसलिए अब हमको सिर्फ 2 एंगल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यही 2 एंगल्स अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग अर्थ के अंदर किसी भी एक पॉइंट को डिफाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिन 2 एंगल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है उनमें से एक एंगल होता है हमारा लैटिट्यूड एंगल, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा दूसरा एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंडिया के लिए भी एक पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर ग्लोब में, या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर अर्थ में इंडिया का भी एक लोकेशन होगा। उस लोकेशन को अगर हम लैटिट्यूड वाइज बात करें तो वो होता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 23.5 के आगे एन लिखा है, एन का मतलब हो गया नॉर्थ। सिमिलरली बात की जाए लॉन्गिट्यूड की तो वो होता है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट, ई का मतलब है ईस्ट। ठीक है, बेसिकली 2 आपके साइड हो गए, ईस्ट वेस्ट, सिमिलरली नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बात की जाए इंडिया में जो रेफरेंस पॉइंट माना जाता है वो इलाहाबाद को माना जाता है, और उसी के ये दोनों एंगल हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो फ्रेंड्स आप लोग किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अर्थ के अंदर डिफाइन कर सकते हो अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल पता है। ठीक है, और आप जिस पर्टिकुलर लोकेशन में रह रहे हो वहाँ का भी अपना एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल होगा, इसको आप लोग गूगल मैप पे देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना जरूरी है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक स्फेयर नज़र आ रहा होगा, इस स्फेयर को अगर हम 2 हाफ में कट कर दें तो बचा हुआ जो एक हाफ होगा, कोई भी हाफ ले सकते हो आप, चाहे अपर हाफ चाहे लोअर हाफ, तो उस लोअर हाफ या अपर हाफ का जो टॉप पोर्शन है आफ्टर कटिंग आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये जो हमारा टॉप पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। ठीक है, अब फ्रेंड्स फिर से स्फेयर में देखिए तो आपको एक रेड कलर की टॉप से लाइन आती हुई दिख रही होगी। ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं मेरिडियन लाइन। ठीक है, तो ऐसी ढेर सारी ग्लोब के अंदर आप देखते होंगे इस टाइप की लाइन रहती है, जो भी हमारी वर्टिकल सर्कुलर लाइन होगी इस टाइप की लाइन को हम बोलेंगे मेरिडियन लाइन। ठीक है, और फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर जो हमारा इक्विटोरियल प्लेन है इसके आप ऊपर में भी एक प्लेन देख रहे होंगे जिसको हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस प्लेन के नीचे में जो हमारा इक्विटोरियल प्लेन है इसके जस्ट नीचे में आपको एक प्लेन दिख रहा होगा जिसको हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सिमिलरली फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्फीयर का आपको एक सबसे टॉप पॉइंट दिख रहा होगा और एक सबसे बॉटम पॉइंट। जो हमारा सबसे टॉप पॉइंट है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो हमारा सबसे बॉटम पॉइंट है इसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग इंडिया का भी लोकेशन देख पा रहे होंगे, मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल के बारे में पता होना जरूरी है। इवन आपको कोई भी कंट्री या कोई भी आपको सिटी को लोकेट करना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को भी अगर आपको यहाँ पे लोकेट करना है तो इसके लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल का पता होना जरूरी है, तभी आप अर्थ सरफेस के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप 2 डायग्राम देख रहे होंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम है इसमें आपको जो भी वर्टिकल सर्कुलर लाइंस दिख रही हैं जो कि व्हाइट कलर की हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं मेरिडियंस।
ठीक है। और राइट हैंड साइड में जो हमारा डायग्राम है इसमें जो हॉरिजेंटल सर्कुलर लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स। सिमिलरली फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप लोग एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, आपको एक 0 डिग्री की वाइट सर्कुलर लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, तो जितनी भी आपकी वर्टिकल लाइन्स है सर्कुलर इनको हम बोलते हैं मेरिडियन, और जो हमारे 0 डिग्री से पास होती है इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, तो जो हमारा 0 डिग्री का लोकेशन होता है इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट से या आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर लोकेशन से हम लोग दूसरे पर्टिकुलर लोकेशन के एंगल्स को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ग्रीनविच है आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन जो कि इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम लोग 0 डिग्री के राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होगे, तो सारी चीज़ों को हम लोग ने ईस्टर्न साइड बोला है, इसको हम लोग ने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ, ई का मतलब हो गया ईस्टर्न साइड। ठीक है, 20 डिग्री ई, फिर 40 डिग्री ई, तो ये हमारा क्या है, जब हम ग्रीनविच से एंगल को मेजर कर रहे हैं इन लाइंस के, तो वो है हमारे 20 डिग्री ईस्टर्न साइड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा 20 डिग्री डब्लू, डब्लू का मतलब है वेस्टर्न साइड। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स राइट हैंड साइड डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे आपको व्हाइट सर्कुलर लाइंस दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये जितनी भी व्हाइट सर्कुलर लाइंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स। ठीक है, जैसे हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में देखा था जितनी भी आपकी वर्टिकल सर्कुलर लाइंस व्हाइट कलर की दिख रही थी इनको हम बोलते थे मेरिडियंस। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो आपको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइंस दिख रही हैं व्हाइट कलर की इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे आपको एक 0 डिग्री की पैरेलल लाइन दिख रही होगी जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और इक्वेटोरियल प्लेन के लिए मैंने बताया था इस पर्टिकुलर 0 डिग्री वाली लाइन को जब हम कट करेंगे तो जो हमको प्लेन मिलेगा उस प्लेन को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स इक्वेटर के जस्ट अपर हाफ का जितना भी पोर्शन है इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो हमारा इक्वेटर के जस्ट नीचे का हाफ वाला हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो इक्वेटर से आप देखिए 0 डिग्री से जब आप ऊपर बढ़ रहे हो तो आपको मिल रहा है 20 डिग्री नॉर्थ, फिर आप ऊपर बढ़ रहे हो तो आपको मिल रहा है 23 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ, इसको हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ठीक है, सिमिलरली आप और ऊपर बढ़ रहे हो तो आपको मिल रहा है टॉप में आप देख सकते हो आर्कटिक सर्कल दिख रहा है, और सबसे टॉप पे आपको मिल रहा है नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स जब हम लोग इक्वेटर के नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमको 20 डिग्री साउथ, फिर नीचे आते हैं तो हमको मिलता है 23 डिग्री 22 मिनट साउथ, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको मिल रहा था 23 डिग्री 22 मिनट में, लेकिन नॉर्थ वाले पार्ट में। ठीक है, सेम एंगल पे जब हम साउथ पे रहते हैं तो हमको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और सबसे बॉटम मोस्ट जो हमारा पॉइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं साउथ पोल, जो कि होता है हमारा 90 डिग्री साउथ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग दो एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंगल, जिसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्फीयर दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको एक पॉइंट पी दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी को अगर आपको लोकेट करना है तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले लॉन्गिट्यूड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट पी जो है उसको क्या करो आप लोग सेंटर से, जो हमारा अर्थ का सेंटर है यानी जो हमारा पॉइंट ए है उससे जोड़ दो। ठीक है, तो आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, तो आपको फाइनली एक पी ए लाइन दिख रही होगी, पी ए हो गया हमारा एक रेडियल लाइन। ठीक है, अब क्या करो इस रेडियल लाइन का प्रोजेक्शन ले लो आप लोग इक्विटोरियल प्लेन पे। ठीक है, तो आपको पी ए लाइन का जब हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं इक्विटोरियल प्लेन पे तो हमको लाइन मिलती है ए पी डैश। ठीक है, तो ए पी डैश क्या है, ए पी डैश आपका ए पी लाइन का प्रोजेक्शन है ऑन इक्विटोरियल प्लेन। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोग इक्विटोरियल प्लेन के अंदर एक पॉइंट देख रहे होगे पॉइंट बी, इस पॉइंट बी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं या बोल सकते हो रेफरेंस जीरो। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रीनविच पॉइंट। ठीक है, और ग्रीनविच क्या है, एक लोकेशन है जो कि आपकी इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट बी को हम लोग बोलेंगे ग्रीनविच पॉइंट, और जब हम लोग इसको अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करेंगे यानी जो हमारी लाइन ए बी मिलेगी इस ए बी लाइन को हम बोलेंगे ग्रीनविच लाइन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली ए बी
और AP डैश के बीच में जो भी एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, और इसको हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज एन एंगल मेजर्ड फ्रॉम ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच लाइन आपकी हो गई AB, टू द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल लाइन, ठीक है, किसके साथ, टू द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल लाइन। यहाँ पे रेडियल लाइन कौन है, AP लाइन रेडियल लाइन है। इस रेडियल लाइन का जब हमने इक्विटोरियल प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन लिया, हमको मिला पॉइंट AP डैश, या आप बोल सकते हो लाइन AP डैश। इस लाइन के साथ जो भी ग्रीनविच लाइन का एंगल है, जिसको हमने कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया है, इस पर्टिकुलर एंगल को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड एंगल। और इंडिया के लिए जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है यानी कैपिटल L, उसकी वैल्यू होती है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो AB है वो हमारी रेफरेंस लाइन है, जिसको हमने बोला था ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन के जब हम लोग राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड वाला जितना भी पार्ट है इसको हम ईस्ट बोल रहे हैं, और ग्रीनविच लाइन के जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से सीखी हुई है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड एंगल को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने देखा था अभी तक AP डैश और AB के बीच का जो एंगल था उसको हमने लॉन्गिट्यूड बोला था। सिमिलरली अगर हम बात करें AP और AP डैश के बीच के एंगल की, ठीक है, तो जो हमारा डायग्राम है इसमें आप देखो AP और AP डैश के बीच में भी एक एंगल बनना होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो, इट इज एन एंगल मेजर्ड फ्रॉम रेडियल लाइन टू इट्स प्रोजेक्शन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन आइदर इन नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग सबसे नीचे जो डायग्राम बना है उसमें आ जाओ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा L इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमें मालूम है जब हमारा लॉन्गिट्यूड एंगल 0 डिग्री हो जाता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम बोलते हैं ग्रीनविच पॉइंट, और उस पर्टिकुलर लोकेशन को जब हम अर्थ के सेंटर से जोड़ देते हैं तो हमको ग्रीनविच लाइन मिल जाती है, ठीक है। तो जब हमारा लैटिट्यूड एंगल 0 डिग्री है, इसके जब हम राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं तो हमको इंडिया मिल रहा है, जापान मिल रहा है। इंडिया की लोकेशन कहा जाए तो वो होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में देख सकते हो, जो हमारा ग्रीनविच लोकेशन है, इसके जब हम वेस्ट साइड जाते हैं तो हमको USA मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे अवेलेबल हैं, बस हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे टॉप पे आ जाओ आप लोग, जब हमारा अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और जब वो कंप्लीट वन रिवोल्यूशन करता है तो उसको 24 आवर्स टाइम लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि 24 आवर में 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है, तो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर के लिए आप निकाल सकते हो 360 डिवाइडेड बाई 24, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 15 डिग्री रोटेशन होता है आपका 1 आवर में, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री जो रोटेशन होगा वो होगा आपका 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 4 मिनट, ठीक है। तो जो 1 डिग्री रोटेशन हमारा अर्थ करता है उसको 4 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स यही चीज मैंने नोट में लिखी हुई है, अर्थ रोटेट 1 डिग्री इन 4 मिनट, ठीक है। और जो हमारे इंडिया का लोकेशन है लॉन्गिट्यूड का वो है 82.5 डिग्री, तो हमको पता है 1 डिग्री रोटेशन के लिए अर्थ को लगता है 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री रोटेशन के लिए कितना लगेगा, 82.5 इंटू 4 यानी कि 330 मिनट, और इस 330 मिनट को जब हम लोग आवर्स में कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आता है 5.5 आवर्स, ठीक है। और ये जो हमारा टाइम होता है 5.5 आवर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी वॉच हैं, जितनी भी हम लोग घड़ी यूज करते हैं, वो सारी की सारी इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेस पे सेट की जाती है, ठीक है। जो भी हमारा ग्रीनविच टाइम होगा जिसको हमने 0 डिग्री रेफरेंस माना था, उसमें जब हम लोग 5.5 आवर्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा इंडिया का टाइम निकल के आ जाता है, या बोल सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमें मिल जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, ग्रीनविच टाइम प्लस 5.5 आवर्स। 5.5 आवर्स हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूड है वो है हमारा 82.5 डिग्री, और इस 82.5 डिग्री को जब हम मिनट में कैलकुलेट करेंगे वो हो गया 330 मिनट, या बोल सकते हो 5.5 आवर्स, और वो भी ईस्टर्न साइड है इसलिए हम हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले हैं। पहला टर्म है हमारा वॉच टाइम, जिसको हम लोग WT से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली हमारा दूसरा टर्म है सोलर टाइम, जिसको हम लोग ST से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए अब बात करते हैं वॉच टाइम की। वॉच टाइम को हम लोग WT से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉच टाइम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ द टाइम एट द स्टैंडर्ड सिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है।
तो वो टाइम जो पर्टिकुलर कंट्री के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है, हम लोग की जो इंडिया है, इंडिया के अंदर सबकी घड़ी एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट होती है, ठीक है, उस टाइम को हम बोलते हैं वॉच टाइम, यानी जो हमारी वॉच में टाइम है, जिस टाइम को हम लोग देखते हैं उस टाइम को हम बोलते हैं वॉच टाइम, ठीक है। और फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर जो वॉच टाइम सेट होता है वो ग्रीनविच टाइम, जो हमने बताया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है ग्रीनविच टाइम, उससे 5.5 आवर्स जब हम ऐड करेंगे तो हमको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिलता है। और इंडिया के अंदर जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है 82.5 डिग्री, और ये होता है बेसिकली आपका अलाहाबाद के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हर एक स्पेस का, या आप बोल सकते हो हर एक पॉइंट का, जो भी आप पॉइंट उस ग्लोब के अंदर डिफाइन करना चाहते हो, उसके लिए आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। तो अलाहाबाद इंडिया के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है और उसकी वैल्यू होती है 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और ईस्ट होने के कारण हम लोग यहाँ पे प्लस 5.5 आवर्स करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं सोलर टाइम की। तो देखिए, सोलर टाइम, या बोल सकते हो एस टी, एस का मतलब सोलर, टी का मतलब टाइम, ठीक है। तो एस टी इज द एक्चुअल टाइम ऑफ एनी लोकेशन अकॉर्डिंग टू द सन। सन के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल टाइम हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन का, उसको हम लोग बोलेंगे सोलर टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है। और अगर हम लोग अर्थ से देखें तो सन जस्ट उल्टा डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, या आप बोल सकते हो सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होगे एक ह्यूमन है जो कि आपका अर्थ सरफेस पे खड़ा है, ठीक है, और जब वो सन को देख रहा होगा तो वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा होगा। जो हमारा सन है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। एक्चुअल कंडीशन में जो सन होता है वो स्टैटिक होता है, अर्थ उसके अराउंड रोटेट कर रही होती है। लेकिन जब हम अपना रेफरेंस प्लेन में जो हमारा अर्थ है उसको अगर स्टैटिक मानेंगे तो जस्ट अपोजिट हमें नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो सेम चीज है। तो देखिए क्या होगा कि जो हमारा 12 नून है, जब हमारा 12 नून हो रहा होगा तो उस टाइम पे अलाहाबाद पे जो हमारा सन है वो एग्जैक्ट ओवरहेड लोकेशन पे होगा, ठीक है। तो 12 नून पे जो हमारा सोलर टाइम है और जो हमारा वॉच टाइम है वो इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट होता है, या आप बात कर लीजिए असम की बात अगर हम लोग करें, तो असम के अंदर जो हमारा वॉच टाइम होगा वो तो 12 नून सेट होगा, या आप बोल सकते हो जो हमारा 12 नून है वो ऑलरेडी सारी वॉच में, चाहे वो इंडिया के अंदर किसी भी पॉइंट पे हो, वो एग्जैक्ट सेम टाइम पे सेट होती है सारी की सारी वॉच, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मतलब यही है कि इंडिया के अंदर आप किसी भी स्टेट या किसी पर्टिकुलर सिटी या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हो तो वॉच टाइम एग्जैक्टली 12 नून हो रहा होगा, जब अलाहाबाद में 12 बज रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोलर के रिस्पेक्ट में बात करते हो, सन के रिस्पेक्ट में बात करते हो, तो जब हमारा अलाहाबाद पे 12 नून हो रहा होगा उस टाइम पे जो हमारा सन है वो भी ओवरहेड पोजीशन पे होगा। लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट में देखते हो तो वो जो सन था वो असम में 1 घंटे पहले ही जा चुका होगा, ठीक है। मतलब है कि जब 12 नून यहाँ पे हो रहा होगा तो सन के रिस्पेक्ट में अगर आप असम में देखोगे तो वो चीज़ ऑलरेडी 1 घंटे पहले हो चुकी होगी। यानी जो सन के रिस्पेक्ट में असम का टाइम होगा, जो हमारा सोलर टाइम होगा, वो होगा 13 आर, या बोल सकते हो 1 PM, ठीक है। अलाहाबाद में जब आपका 12 PM हो रहा होगा सोलर टाइम, उस टाइम पे जो नॉर्थ ईस्ट का टाइम देखेंगे सन के रिस्पेक्ट में तो वो हो रहा होगा आपका 1 PM। सिमिलरली जब हम अलाहाबाद के वेस्ट साइड में जाते हैं तो लेट से गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात के अंदर 12 नून पे जो हमारा टाइम होगा वॉच टाइम वो तो हमारा 12 रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी इंडिया के अंदर पर्टिकुलर टाइम पे हर जगह जो वॉच का टाइम है वो सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर सोलर के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो वहाँ पे जो सन है वो ओवरहेड पोजीशन में आने के लिए 1 आवर का टाइम और लेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में सोलर के रिस्पेक्ट में जब आप बात करोगे तो गुजरात में इस टाइम टाइम हो रहा होगा 11 AM, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो हमारा सोलर टाइम होता है वो ये बता रहा होता है कि किस टाइम सन ओवरहेड पोजीशन पे आ रहा होगा किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सोलर टाइम यानी जो एस टी है, इसका फॉर्मूला होता है वॉच टाइम प्लस 4 × L0 - LST। एल नॉट हो गया लोकल लॉन्गिट्यूड और LST हो गया आपका स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी
और सिंपली आपको फॉर्मूला पुटअप करना है फॉर कैलकुलेटिंग द सोलर टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एज इट इज आप याद कर सकते हो। फ्रेंड्स बेसिकली आप लोग को ये जो डेफिनेशंस हैं, वॉच टाइम किसे कहते हैं, सोलर टाइम किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपको आनी जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इन डेफिनेशन पे बेस्ड आता है। और आने वाली स्लाइड के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 के अंदर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम लोग एंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सोलर नून की। तो देखिए सोलर नून के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर देखा हुआ है, वो क्या था, व्हेन द सन इज एट द जेनिथ और ओवरहेड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के जब ओवरहेड पे एग्जैक्टली हेड पे जो हमारा सन है वो अवेलेबल होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सोलर नून, ठीक है। और टाइम जो भी हमारा टाइम है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के करस्पॉन्डिंग सन का, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे सोलर टाइम, ठीक है। तो आई थिंक सोलर टाइम सोलर नून आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला फैक्ट है हमारा टिल्टिंग ऑफ अर्थ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अर्थ दिख रही होगी जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है, ठीक है। और उस अर्थ की जो स्फेरिकल फॉर्म में एक्सिस है वो है आपकी वाई वाई और एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, आपको लग रहा होगा कि जो अर्थ है वो वाई वाई या बोल सकते हो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस जो हमारी वाई वाई है या बोल सकते हो जो हमारी एक्स एक्स एक्सिस है इसके अबाउट 23.45 डिग्री पे टिल्ट होती है, ठीक है। जो हमारा अर्थ है वो अपनी एक्चुअल कंडीशन से जिसके अबाउट उसको रोटेट होना चाहिए उससे 23.45 डिग्री टिल्ट होता है। तो फ्रेंड्स अर्थ के टिल्ट होने के कारण जो उसका रोटेशन होता है वो वाई डैश एक्सिस के अबाउट होगा या बोल सकते हो एक्स डैश एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। सिमिलरली अर्थ के टिल्ट होने के कारण जो इसका इक्विटोरियल प्लेन है वो चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हो इक्विटोरियल प्लेन जो पहले एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट हमें मिलता था वो अब एक्स डैश एक्सिस के अबाउट हमें मिलेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स जो हमारा आर्कटिक सर्किल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्किल, तो ये सारी चीज़ें भी इसी अर्थ के टिल्ट होने के कारण चेंज हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट वही है, ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ अर्थ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीजन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट हेंस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेरीज, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है वो एक इलेप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द सन, ठीक है। जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड एक इलेप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा होता है, जिसके कारण क्या होगा, जो डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच में वो वेरी करती है, जिसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो फ्रेंड्स अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस वेरी करती है, तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब अर्थ और सन आपस में क्लोज होंगे या बोल सकते हो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्लोजेस्ट होगी, ठीक है। सिमिलरली एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो फार्देस्ट होगी, ठीक है। और एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगी। तो फ्रेंड्स जब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्लोजेस्ट होगी तो उस टाइम पे जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आ रहा होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। और जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस फार्देस्ट होगी या बोल सकते हो सन अर्थ से काफ़ी दूर होगा, उस टाइम पे जो सन का रेडिएशन अर्थ पे जाना चाहिए वो काफ़ी कम जा पा रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली बात की जाए जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मीडियम रहेगी तो जो सन का रेडिएशन या बोल सकते जो सोलर फ्लक्स अर्थ पे जा रहा होगा वो ना ही हाईएस्ट जा रहा होगा ना ही लोवेस्ट जा रहा होगा, एक मीडियम रेंज में जा रहा होगा, ठीक है। तो इसी मीडियम रेंज के बारे में हम लोग ने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, वो क्या था, वो था अप्रॉक्स 1 kW पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 1.367 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या बोल सकते हो 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है इसको हम लोग आने वाले स्लाइड में देखने वाले हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हो नीचे में मैंने लिखा है, हेंस वेरीज द सोलर एनर्जी फ्लक्स, क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस वेरी करती है, इस कारण से आपका सोलर एनर्जी फ्लक्स वेरी कर रहा होता है, ठीक है। और लास्ट में आप देख सकते हो मैंने जो एंगल लिखे हैं वाई वाई डैश एंड वाई वाई के बीच में, वो सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने बताया था, अर्थ की एक्सिस टिल्ट है जिसके कारण जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो 23.45 डिग्री आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको सन दिख रहा है, सन से जो क्लोजेस्ट अर्थ की लोकेशन होगी जब अर्थ हमारा इलिप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा होगा अराउंड द सन, तो जो क्लोजेस्ट पोजिशन होगी
उस टाइम पे आप देख पा रहे होगे, वो आपको मिलेगी 21 दिसंबर पे, ठीक है। और जब 21 दिसंबर में अर्थ क्लोजेस्ट होता है सन पे, तो उस टाइम पे जो सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही होती हैं, वो सबसे ज़्यादा पड़ रही होती हैं किस पे, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो सोलर रेडिएशन है वो डायरेक्टली इंसिडेंट होता है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर पे, और सदर्न हेमिस्फेयर में आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या बोल सकते हो अंटार्कटिक सर्किल। साथ ही साथ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है, वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे ऑब्जर्व होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डे क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि जो सन का रेडिएशन आ रहा है वो आपका नीचे वाला जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है उस पर आ रहा है, ठीक है। जिसके कारण जो अपर हाफ होता है वहाँ पे सन का रेडिएशन उतने अच्छे से पहुँच नहीं पाता है, जिसके कारण से वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरिहेलियन, ठीक है। पेरिहेलियन का मतलब क्या हुआ, जिस टाइम पे सन और अर्थ आपस में क्लोजेस्ट होंगे, ठीक है, इस कंडीशन को पेरिहेलियन बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग डबल स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिहेलियन वर्ड, ठीक है। सिमिलरली बात की जाए एक ऐसी कंडीशन जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, या आप बोल सकते हो फार्देस्ट होगी, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा डे ऑब्जर्व हो रहा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो वो हमारा लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व हो रहा होगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व क्यों हो रहा होगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो सन की रे है वो डायरेक्टली इंसिडेंट कर रही है। और फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर इंस्टेंस जब हमारा सन और अर्थ एक दूसरे से फार्देस्ट लोकेशन पे होंगे, तो वो हमारा अकर होता है 21 जून को। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को जब दोनों आपस में फार्देस्ट पोजीशन पे होंगे, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एफेलियन, ठीक है, APHELION, ठीक है, एफेलियन बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा सन का रेडिएशन है वो आर्कटिक सर्किल पे पड़ रहा है, जब हमारा फार्देस्ट पोजीशन पे है सन और अर्थ, लेकिन एट द सेम टाइम अंटार्कटिक सर्किल पे सन का रेडिएशन नहीं पहुंच पाता है, तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर डे में जो हमारा दिन है अंटार्कटिक सर्किल पे होगा ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाइट होगा। सिमिलरली बात की जाए जो हमारा लास्ट कंडीशन थी पेरिहेलियन वाली, उसमें क्या होगा, जो सन का रेडिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिक सर्किल पे आ रहा है, आर्कटिक सर्किल पे नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आर्कटिक सर्किल पे 21 दिसंबर पे होगा क्या कि वहाँ पे दिन होगा ही नहीं, ठीक है। आर्कटिक सर्किल पे 21 दिसंबर में आपका दिन होगा ही नहीं, क्यों, आप देख पा रहे होगे जो सन की रे है वो डायरेक्टली इंसिडेंट हो रही है कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर पे, या बोल सकते हो अंटार्कटिक सर्किल पे, ठीक है। तो सन की रेडिएशन आर्कटिक सर्किल पे नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण से वहाँ पे डे टाइम आपका ऑब्जर्व नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रात होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये दोनों केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप देखिए, सन के जस्ट ऊपर आप जाओ और सन के जस्ट आप नीचे जाओ, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, सन की पोजिशन अर्थ से क्या होगा, मेन डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। सन की पोजिशन अर्थ से मेन डिस्टेंस पे होगी, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं इक्विनॉक्स, यानी जो हमारा डे और नाइट वाला टाइम है वो इक्वल होगा, ठीक है। मतलब है अर्थ सरफेस पे जो हमारा डे टाइम है और जो हमारा नाइट टाइम का इंटरवल है वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और ये ऑब्जर्व कब होगा, 21 मार्च और 21 सितंबर को, ठीक है। और फ्रेंड्स, इक्विनॉक्स के केस में आप लोग एक चीज और बहुत अच्छे से देख लो, जो हमारा सन का रेडिएशन जा रहा है वो डायरेक्टली अर्थ के सेंटर पे गिर रहा है, ठीक है। जो हमारा सन का रेडिएशन निकल रहा है वो डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा है अर्थ के सेंटर पे, या आप बोल सकते हो जो हमारा इक्विटोरियल प्लेन है उस पे डायरेक्टली जा रहा है, जिसके कारण से जो हमारा डे और नाइट का टाइम होता है वो इक्वल हो रहा होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो आपको मैंने यहाँ पे दिन बताए हैं 21 सितंबर, 21 दिसंबर, ये सारे दिन में हो सकता हो कुछ एक दो दिन का वेरिएशन हो रहा हो, आप लोग बस एक आइडिया के लिए ये चीज़ याद रखो, आपसे एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती है, बट आपको ये मंथ याद होना जरूरी है कि किस टाइम पे ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको कंडीशन याद होनी जरूरी है कि जब अर्थ और सन क्लोजेस्ट पोजीशन पे होंगे उस टाइम पे हम लोग पेरिहेलियन बोलते हैं, फिर किसे हम लोग एफेलियन बोलते हैं, किसे हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की, जिसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, इट इज एन एंगल बिटवीन द लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये बेसिकली एंगल बनना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जब हम लोग अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर को जोड़ देंगे, तो एक वो लाइन, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन अपॉन इक्विटोरियल प्लेन,
ठीक है, जो हमने लाइन अर्थ और सन के सेंटर को जोड़ी है, इस लाइन का जब हम लोग प्रोजेक्शन ले लें इक्विटोरियल प्लेन पे, जो हमारा अर्थ का इक्विटोरियल प्लेन है उस पे जब हम प्रोजेक्शन लेंगे, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, या बोल सकते हो डेल्टा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो सन है उसका सेंटर है ओ डैश, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से टिल्ट होती है 23.45 डिग्री, जिसके कारण जो अर्थ का सेंटर आपको दिख रहा होगा, जिसके अबाउट अर्थ हमारी रोटेट कर रही होगी, उसकी लाइन आप देख सकते हो वो इंक्लाइंड है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, जो इक्विटोरियल प्लेन है वो भी हमको इंक्लाइंड मिलता है 23.45 डिग्री से, वो भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, जो हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है उससे 23.45 डिग्री पे हमारा इक्विटोरियल प्लेन इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा सन का सेंटर है ओ डैश और जो हमारा अर्थ का सेंटर है ओ, इन दोनों को हम लोग एक लाइन से ऐड कर रहे हैं, और जो हमारा लाइन आ रही है ए ओ, या आप बोल सकते हो जो हमारी लाइन ओ ओ डैश है, इसका जब हम लोग प्रोजेक्शन ले रहे हैं इक्विटोरियल प्लेन पे, जो हमारा अर्थ का इक्विटोरियल प्लेन है जिसको हम लोग ने रेड कलर से यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है, उस पे जब हम इस पर्टिकुलर लाइन का प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो हमको लाइन मिल रही है ओ बी, ठीक है। तो इन दोनों लाइन जो हमारा ए ओ और ओ बी के बीच का एंगल है, इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, और इसका जो वेरिएशन होता है वो प्लस 23.45 डिग्री से लेके माइनस 23.45 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की है, आप लोग लिख लेना, इसका जो वेरिएशन होता है, जो अर्थ हमारा टिल्ट होता है वो कितने एक्सिस होता है, वो होता है 23.45 डिग्री पे, ठीक है। तो उसमें प्लस और माइनस कर दो, वही सेम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का वेरिएशन होता है, ठीक है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यही चीज़ लिखी है यहाँ पे डेफिनेशन में भी, और जो ओ बी है, ओ बी क्या है, मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए लाइन ऑन इक्विटोरियल प्लेन, ठीक है, और एंगल ए ओ बी हो गया आपका डेल्टा, और इस डेल्टा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, 23.45 डिग्री इंटू साइन ब्रैकेट में क्या है 360 डिवाइडेड बाई 365 डेज इंटू 284 प्लस एन, और यहाँ पे जो एन है वो हो गया आपका नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो अगर फर्स्ट जनवरी है तो इसमें एन की वैल्यू क्या लेनी है, 1, और अगर मैं आपसे पूछूँ 31st दिसंबर है तो इसमें आपको एन की वैल्यू क्या लेनी है, वो हो जाएगी आपकी 365, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूँ 1st फेब है तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जो आपका जनवरी है वो 31st डे का होता है, और 1st फेब की बात हो रही है तो 31 प्लस 1 यानी 32 एन की वैल्यू आपको प्लेस करनी है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाए 1st फेब पे इस डेक्लिनेशन एंगल को कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला लगाना है और एन की वैल्यू आपको पुट कर देनी है 32, ठीक है। सारी चीज़ें आपको नोन है, एन की वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे तो आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सोलर कांस्टेंट की, जिसको हम लोग ISC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेट एट विच एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन द अर्थ एटमोसफियर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए इस डेफिनेशन को हम लोग डायग्राम से समझते हैं, जो हमारा फिगर 1 है इसको आप देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी सन की रेडिएशन निकल रही है वो अर्थ की सरफेस पे पहुंच रही है, ठीक है। तो जब सन से जो रेडिएशन निकल रही है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हिट कर रही होगी, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारा अर्थ आप देख रहे होगे, अर्थ के बाहर की जो सरफेस है इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, तो इस एटमॉस्फेयर पे जब हमारा सोलर रेडिएशन परपेंडिकुलर हिट कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी हमारा सोलर कांस्टेंट होगा, या आप बोल सकते हो जो भी हमारी सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी, एनर्जी होगी, इसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस वेरी कर रहा होता है, क्योंकि सन के अराउंड जो हमारा अर्थ का रेवोल्यूशन होता है वो एक इलिप्टिकल पाथ में हो रहा होता है, जैसा कि हम लोग ने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मीन डिस्टेंस पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1367, ठीक है, 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो 1.367 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने लास्ट जो वीडियो था वहाँ आपको बताया था अप्रॉक्स 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर जो वैल्यू है वो आप लोग याद रखो, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है जब हम लोग मीन डिस्टेंस लेते हैं तो वो वैल्यू होती है हमारी 1.367 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को आप लोग चाहो तो याद रखो,
लेकिन आपको एक रेंज के बारे में आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। तो आप रेंज याद रख लो कि हाँ, 1000 से लेकर के आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वह होती है आपकी 1412 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1412 कब मिलेगा? जब हमारा सन अर्थ के क्लोजेस्ट पोजिशन पे होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, सन अर्थ के क्लोजेस्ट पोजीशन पे कब पहुंचता है? जब हमारा 21 दिसंबर हो रहा होता है, ठीक है। ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है। सिमिलरली बात की जाए, सन अर्थ से फार्देस्ट पोजीशन पे कब रहता है, तो वो होता है हमारा 21 जून। और इस टाइम पे जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ रही होती है वो होती है हमारा 1322 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो मिनिमम वेरिएशन आ रहा है सोलर कांस्टेंट का वो होता है 1322 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर बात की जाए मैक्सिमम वेरिएशन की, तो वो वैल्यू होती है हमारी 1412 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर डे पे जब आपको सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो देखिए, इसका फॉर्मूला है, मैंने नीचे में मेंशन कर दिया है। ISC डैश, यानी उस पर्टिकुलर डे जहाँ पे आप सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हो, इक्वल टू ISC आप जो होता है वो आपका मीन डिस्टेंस पे जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो मैंने आपको बताया था 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर, वो हो गया ISC। ब्रैकेट में है आपका 1+0.033 इंटू कॉस ब्रैकेट में 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 365 डेज इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज कैसे आप कैलकुलेट करोगे? जिस पर्टिकुलर डे में आपको कैलकुलेट करना है, लेट से आपको 1 फेब पे सोलर कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो 1 फेब के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? तो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 1 फेब के लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 31। आपकी जनवरी डे होते हैं, नंबर ऑफ डे इन जनवरी कितने होते हैं? 31 प्लस 1 फेब को निकालना है तो +1 कर दो, तो टोटल जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो 32 हो जाएगी, 31+1, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली बात की जाए अगर 1 जैन के लिए आपका एन की वैल्यू क्या होगा, वो हो जाएगा 1। सिमिलरली बात की जाए 31 दिसंबर के लिए क्या होगा वैल्यू, वो हो जाएगा आपका 365, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं अभी तक, इस चीज़ को मैंने फिगर 2 में डिपिक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो 21 जून पे क्या हो रहा है, जो हमारा सन का रेडिएशन आ रहा है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। यानी जो सोलर रेडिएशन है वो परपेंडिकुलर है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और वो कब हो रहा होगा? जब हमारा डिक्लिनेशन एंगल यानी जो हमारा डेल्टा है उसकी वैल्यू होगी +23.45 डिग्री, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी या बोल सकते हो फार्देस्ट होगी। और इस टाइम पे जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आती है वो होती है हमारी 1322 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, जब डेक्लिनेशन एंगल यानी जो डेल्टा है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये पर्टिकुलर टाइम ऑब्जर्व होता है हमारा 21 मार्च को। और इस टाइम पे क्या होगा, जो सोलर कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों 1367 हो रहा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है वो मीन डिस्टेंस होती है, और मीन डिस्टेंस पे जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली फ्रेंड्स, जब हमारा डेक्लिनेशन एंगल -23.45 डिग्री होता है, उस टाइम पे जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है वो क्लोजेस्ट होती है, ठीक है। और क्लोजेस्ट पोजीशन पे जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आती है वो होती है 1412 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और ये पर्टिकुलर टाइम आपका ऑब्जर्व होता है 21 दिसंबर में, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू की बात की जाए तो वो आपकी वेरी कर रही है 1322 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 1412 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम होगी आपकी 1322 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम होगी आपकी 1412 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं इंक्लिनेशन एंगल और जेनिथ एंगल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्लिनेशन एंगल की। तो इंक्लिनेशन एंगल को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैसे डिफाइन होता है? द एंगल बिटवीन द सन रे एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक हॉरिजेंटल प्लेन लेना रहेगा, और उस हॉरिजेंटल प्लेन पे जो सन की रेडिएशन इंसिडेंट हो रही होगी, जो भी हमारी सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही होती है, उस सोलर रेडिएशन का जब हम लोग हॉरिजेंटल प्लेन पे प्रोजेक्शन लेंगे, तो सन रेडिएशन और उसका प्रोजेक्शन जो हॉरिजेंटल एक्सिस पे आ रहा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सन रे आ रही है वो है हमारी AB, ठीक है।
और उसका जब हमने प्रोजेक्शन लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो हमको मिल रहा है लाइन BC, ठीक है। तो एंगल ABC जो होगा उसको हम बोलेंगे इंक्लिनेशन एंगल, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इंक्लिनेशन एंगल समझ में आ गया होगा, और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स बात की जाए जेनिथ एंगल की, तो इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या है, एंगल बिटवीन द सन रे एंड परपेंडिकुलर द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो लास्ट वाले में हमने देखा था सन रे और उसका प्रोजेक्शन जब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेते हैं, उन दोनों के बीच के एंगल को हमने इंक्लिनेशन एंगल बोला था। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उस परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में इस इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे जेनिथ एंगल, ठीक है, जिसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो एंगल ABD है, इस एंगल को हम बोलेंगे जेनिथ एंगल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको जेनिथ एंगल और इंक्लिनेशन एंगल में कोई भी एक एंगल पता है तो आप लोग दूसरा एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है I+ psi = 90°, ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल प्लस जेनिथ एंगल इक्वल टू 90°, अगर आपको कोई भी एक एंगल पता है तो आप दूसरा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आर एंगल की, ठीक है। तो आर एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट बी रोटेटेड टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली इन लाइन विद द सन रे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लोकल पॉइंट गिवन होगा, जैसा कि हम लोग देख रहे थे लास्ट केसेस में पॉइंट पी हमें गिवन रहता था। वो पॉइंट पी किसी ना किसी एक मेरिडियन पे डेफिनेटली लाई कर रहा होगा, क्योंकि जो भी आप पॉइंट लोकेट करोगे वो किसी ना किसी मेरिडियन में लाई करता है। मेरिडियन कौन सी लाइन थी? तो फ्रेंड्स मेरिडियन के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी स्लाइड 2 के अंदर देखा था, वहाँ पे मैंने बताया था आपको जितनी भी आपकी वर्टिकल सर्कुलर लाइंस थी वाइट कलर की, उनको हम लोग मेरिडियन बोल रहे थे, ठीक है। और जब वो वाइट कलर की लाइंस आपके 0° से पास हो रही होती थी तो हम उसको बोल रहे थे प्राइम मेरिडियन। और फ्रेंड्स इस डायग्राम में आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वर्टिकल सर्कुलर लाइंस, यहाँ पे बेसिकली हेमिस्फीयर है, तो जो आपको हाफ सर्कल दिख रहा है रेड कलर का, वो लाइंस को हम लोग बोल रहे हैं मेरिडियन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो भी आपका पॉइंट होगा वो किसी ना किसी एक मेरिडियन पे लाई कर रहा होगा, और कोई ना कोई एक ऐसा मेरिडियन डेफिनेटली होगा जहाँ पे सन रे डायरेक्टली इंसिडेंट हो रही होगी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को जिससे मेरिडियन पास हो रही थी, यानी जो पॉइंट पी है इससे एक मेरिडियन पास हो रही है, इस मेरिडियन को अगर हम लोग उस पर्टिकुलर मेरिडियन से इनलाइन कर दे जिस पे सन रे डायरेक्टली इंसिडेंट हो रही है, तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर मेरिडियन को जिस पे पॉइंट पी लाई कर रहा था, इसको इनलाइन करने के लिए उस मेरिडियन से जिस पे सन रे डायरेक्टली इंसिडेंट हो रही हैं, उससे इनलाइन करने के लिए जितना अर्थ को रोटेट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग बोलेंगे आर एंगल, ठीक है। बेसिकली क्या है, जिस पर्टिकुलर मेरिडियन पे हमारा एक पॉइंट पी लाई कर रहा है, उस पर्टिकुलर मेरिडियन को हम लोग इनलाइन करने वाले हैं एक ऐसी मेरिडियन के साथ जहाँ पे सन रे डायरेक्टली फॉल कर रही हैं, डायरेक्टली इंसिडेंट कर रही हैं। तो इनलाइन करने के लिए हमें अर्थ को रोटेट करना पड़ेगा, तो जितना एंगल अर्थ हमारा रोटेट करेगा उस एंगल को हम बोलते हैं आर एंगल। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द एंगल रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन ऑफ द सन विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉक आर एंड विथ रेफरेंस टू द सन पोजिशन एट 12 noon। तो देखिए फ्रेंड्स वही डेफिनेशन है लेकिन इसको दूसरे वे में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्लॉक आर के रिस्पेक्ट में एक सन की पोजिशन होगी जिसको हम लोग ने पॉइंट पी कहा था, और एक ऐसा पोजिशन जहाँ पे सन 12 noon पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सन पोजिशन एट 12 noon का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे 12 noon पे क्या होता है कि जो सन का रेडिएशन आ रहा होता है, या बोल सकते हो सोलर रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहा होता है, वो डायरेक्टली इंसिडेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का जो एंगल होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं आर एंगल, या बोल सकते हो दूसरे रिस्पेक्ट में कि अर्थ को कितना एंगल हमें रोटेट करना पड़ेगा सो दैट हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पी को रोटेट करके उस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंचा सकें जहां पे सोलर रेडिएशन डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा था, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये बेसिकली क्या है, ये आपका मेरिडियन टू मेरिडियन मूव होता है,
ठीक है, तो जिसके कारण आपका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, वहां से आपका एक एंगल बनता है जिसको हम लोग आर एंगल बोलते हैं, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल टू 15 इंटू एल एस टी माइनस 12। ठीक है, 15 क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है वो 24 आवर में वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब हुआ 360 डिग्री। ठीक है, तो 15 आपका वहीं से आया है, 360 डिवाइडेड बाई 24, वहां से आपको 15 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 15 इंटू एल एस टी माइनस 12। एल एस टी क्या होता है, लोकल सोलर टाइम, और एल एस टी माइनस 12 लिखा है, तो 12 क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी एंगल कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हमेशा 12 नून के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मॉर्निंग का 6 एएम हो रहा होगा उस टाइम पे आर एंगल हमारा कितना होगा, तो सिंपली आपको लोकल सोलर टाइम गिवन है वो है 6 एएम, तो 6 माइनस 12 इंटू 15 यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 15, या आप बोल सकते हो माइनस 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, आप लोग इवनिंग के 6 एएम पे कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इवनिंग के 6 एएम के लिए आपको 12 प्लस 6 करना पड़ेगा, क्योंकि आप 12 नून के आगे जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए 12 प्लस 6 करोगे तो आपका हो जाएगा 18, 18 माइनस 12 इंटू 15 करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी प्लस 90। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो आर एंगल की वैल्यू होती है वो मॉर्निंग टाइम पे आपकी नेगेटिव रहेगी और इवनिंग टाइम पे पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में की हैं, या आप बोल सकते हो नॉर्दर्न रीजन के रिस्पेक्ट में की हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जीरो होती है एट सोलर नून, हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि 12 नून के रिस्पेक्ट में हम लोग सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू आपकी निगेटिव होगी कब, मॉर्निंग टाइम में। ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, आफ्टरनून टाइम में। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंगल हमारा ओमेगा है, वो है आपका, आप डायग्राम में देखो, P1OQ1, या आप बोल सकते हो Q1OP1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हम लोग ने आर एंगल कैलकुलेट किया है वो नॉर्दर्न रीजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर हम लोग सदर्न रीजन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका सदर्न रीजन में है, तो वहाँ पे जो मॉर्निंग टाइम होगा तो आर एंगल की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और आफ्टरनून टाइम पे वहाँ पे आर एंगल की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो मतलब है फ्रेंड्स, नॉर्दर्न रीजन के रिस्पेक्ट में जो सदर्न रीजन में हो रहा होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 का है, द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट टर्न टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली इन लाइन विद द सन रे इज कॉल्ड एज। तो इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, इस पर्टिकुलर एंगल को हम लोग बोलते हैं आर एंगल। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री जो है वो फिनिश हो गया है, जितने भी एंगल हमें कवर करने चाहिए थे वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।